मेरे देवबंद के साथी जो सब साथी आसाम के है, बंगाल के है, बिहार के है और यूपी के है, और जितने उर्दू वाले साथी जिनके साथ मैं देवबंद में पढ़ा हो, उन सबको, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह उनके इंतकाल की खबर से आप लोग बेहद इंतहाई गम में, हुज्न में है। मैं आपको ये कहने के लिए हाजिर हुआ हो कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि बांग्लादेश के सारे उलमाए देवबंद हजरत के शागिर्द सब के सब अब रो रहे हैं, सब उनके लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि किसी का इंतकाल एक फैमिली के लिए बड़ा हादसा होता है, किसी का इंतकाल एक ख़ानदान के लिए बड़ी मुसीबत होती है, किसी का इंतकाल एक मुल्क के लिए हादसा होता है, मुसीबत के कारण होता है। मगर हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी आलम इस्लामी के लिए एक बड़ा हादसा है, हादसा फाजिया है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए। उनकी इफादियत इतना आम था जो हम अपनी जुबान से उसका हक नहीं अदा कर सकते कि उनकी इफादियत कितना आम था। तो सो हम उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला उनके सारे शागिर्दों को और उनके औलाद को, उनकी औलाद जो उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, ये जैसे उनकी औलाद हैं, उनसे पढ़ने वाले जितने तलबा ये सब भी उनको अपने बाप के मकाम में देखते हैं। हम भी उनकी रूहानी औलाद हैं, हम उनके साथ उनके लिए दुआएं मगफरत करते हैं और अल्लाह ताला उन सबको और हमको सब्र जमील नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनका नेमल बदल दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को मिला दे, ये दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सकल्लाहु सराहु वजअलल जन्नता मस्वाहु, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।